नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल टेक्निकल पीजी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी स्विच को बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों, ये स्विच आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जो है, इस तरह का स्विच कभी भी आपका जब ख़राब होता है तो उसे आप तुरंत बदल देते हैं, नया लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं आप इसे भी रिपेयर कर सकते हैं? तो रिपेयर करने के लिए दोस्तों इसे खोलना होगा। तो इसे किस तरह से खोला जाता है दोस्तों, यही सब लोगों को नहीं पता होता, इसलिए इसे डायरेक्ट बदल दिया जाता है। अगर दोस्तों आप देखते हैं आपके घर में कोई स्विच है, ये जल चुका है, यहाँ से जैसे काला पड़ गया है, जल कर ये सब टूट गया हो, तो उसे आप तो नहीं रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन देख सकते हैं ये मेरे पास एकदम बिल्कुल ठीक ठाक दिख रहा है, देख सकते हैं, लेकिन ये भी काम नहीं कर रहा है दोस्तों। दोस्तों, एक काम करें या ना करें, ये इसे कैसे रिपेयर कर सकते हैं इसको मैं दिखा रहा हूँ। फिर भी ये जो मेरे पास है बटन दोस्तों, ये भी ख़राब ही है। मैं इसे चेक करके भी आपको दिखा दूँगा कि ये ख़राब है या नहीं है, और इसे फिर मैं रिपेयर करके आपको दिखाऊँगा। तो आपके घर में भी अगर ऐसा है तो आप भी रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इसे जानते हैं खोलना तो कमेंट बॉक्स में तुरंत मुझे कमेंट करके बताइए, और नहीं भी जानते हैं तो भी कमेंट करिए दोस्तों। आपके कमेंट से दोस्तों हमें हौसला मिलता है, हमें एक मोटिवेशन मिलता है दोस्तों आगे काम करने के लिए। तो कमेंट किया करिए दोस्तों। और दोस्तों, अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि उस टॉपिक पर वीडियो बनाए, तो मैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो बनाकर दे दूँगा दोस्तों। तो चलिए, पहले इसे मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इसे बताता हूँ किस तरह से खोला जाएगा। और दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इसे आप खोलना जानते थे या नहीं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से ये इस तरह से खोलने लगते हैं, लेकिन इस प्रकार से ये नहीं खोला जाता है। इसे खोलने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा आपको, चलिए दोस्तों पहले खोलने से पहले इसमें दिखा देता हूँ ये सही है नहीं। तो देखिए, मेरे पास मल्टीमीटर इसमें है नहीं, तो मैं एक LED की मदद से इसे चेक करके दिखाऊँगा, क्योंकि ये बटन है ऑन ऑफ करने पर LED जलना चाहिए। तो इसमें चेक करके मैं इसे दिखा दे रहा हूँ, पहले इस LED को चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये ग्लो कर रहा है। तो इसमें जो है ये माइनस का, तो एक तार इसमें माइनस का लगा दे रहे हैं स्विच में। दोस्तों, बैटरी का माइनस वाला वायर जो है इसके पहले वाले पॉइंट में लगा दिए, और एक जो है इसका LED बल्ब का जो है माइनस का पॉइंट जो है इसमें हम लगा देते हैं। दोस्तों, इसको मैं लगाता हूँ, देखिए पॉजिटिव वाला है, इसलिए मैंने यहाँ पर लगाया। देख सकते हैं दोस्तों, ग्लो नहीं कर रहा, इसे ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, मैं इसे ऑन कर रहा हूँ, ऑफ कर रहा हूँ, फिर भी इसमें कुछ नहीं जो रहा, ये स्विच ख़राब बता रहा है। देखिए, इसे मैं रिपेयर करके दिखाता हूँ, दोबारा इसे चेक करके दिखाऊँगा ये सही हुआ कि नहीं। दोस्तों, आप कमेंट करेंगे तो मुझे ये पता चलता रहेगा, जैसे इतना छोटी सी बात है, लेकिन अगर आप इसे नहीं जानते हैं, इसे फेंक देते हैं, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप रिपेयर भी कर सकते हैं इसको। तो कमेंट जरूर करें जिससे मुझे पता चलता रहे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसको पहले यहाँ के जो दोनों नट लग रहे थे इसे वायर को टाइट करने के लिए, उसको हमने निकाल दिया। यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें ये नट लगा था इसमें वायर टाइट करने के लिए, इसको मैंने निकाल दिया। दोनों को निकाल देना दोस्तों, इसमें से देखेंगे किसी एक में आपको स्क्रू जैसा लग रहा है, तो इस स्क्रू को हम खोलेंगे इसके थ्रू ड्राइवर से, ठीक है। देखिए, ये ओपन हो गया, इसमें एक स्क्रू था, ठीक है, मैं दिखा भी दे रहा हूँ आपको। देखिए, ये स्क्रू इसमें लगा हुआ था, आप देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये अलग हो गया पूरा। ये देखिए, इसके अंदर क्या था सर, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, इसके अंदर कितना कचरा हुआ है, इतने सारे कचरे इसमें हैं दोस्तों, ये सब चीटियाँ हैं इसमें आ गई हैं अंदर, तो इतना सारा कचरा हो गया दोस्तों, तो ये ऑन ऑफ कैसे हो, इसमें स्विच काम कैसे हो, कनेक्शन ही नहीं हो पा रहा है। और दोस्तों, कुछ में जो है कार्बन हो जाता है, कार्बन की वजह से जो है स्विच नहीं काम करता है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें चीटी भरी इतनी सारी, तो इसे मैं निकाल देता हूँ। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, इतनी सारी चीटियाँ थी इसमें, तो ये ऑन ऑफ कहाँ से हो,
उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, इसमें जो भी आपका कचरा या कार्बन है उसे हटा देना है। हटा देने के बाद दोस्तों इसमें देखिए, इसमें पहले आप देखिए इसके बॉडी में जहाँ पे आपका जो ये ऊपर का जो खटका जो है जहाँ पे फिट होता है, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो एक तरफ आपको यहाँ देख लीजिए, इसे हमें क्लीन कर लेना है अच्छे तरीके से, क्योंकि इसका सप्लाई इस पर आएगा, ठीक है। तो इसे अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है दोस्तों, किसी ब्लेड की मदद से इसे हम क्लीन कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो पूरा एंड तक देखना, क्योंकि इसे किस प्रकार फिट करना है दोबारा दोस्तों, इस पर भी आपको ध्यान देना ज़रूरी है, नहीं तो आप इसे फिट ही नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, इसे मैंने क्लीन कर लिया है, इस प्रकार आपको भी कर लेना है। और इसके बाद दोस्तों देखिए, जो हमारे पास खटका है ये वाला, देखिए यहाँ पर, तो जब ये ऑन ऑफ होता है तो ये जो इस वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट दोस्तों, ये वाला पॉइंट इसके जो है जो हमने अभी क्लीन किया है उस पर जाकर टच होता है। तो इस पर देखिए कार्बन लगा हुआ, तो इसको भी हम क्लीन कर लेंगे जिससे सप्लाई हमारा अच्छे से पहुँचे। दोस्तों अगर आपका बटन जो है जला हुआ नहीं है तो उसे आप रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि कभी ख़राब नहीं होने वाला चीज़ है। दोस्तों देखिए इस प्रकार से हम क्लीन कर ले रहे हैं, तो देखिए ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट से टच होता है, तो इसको और इसको क्लीन कर लेना है, ठीक है। इसको हमने क्लीन कर लिया, इसके बाद देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये एक जो है इसमें ये जो हम पहले ही जो बोल्ट स्क्रू खोले हैं उसके लिए दोस्तों ये बीच में लगा होता है, इसी में आकर वो स्क्रू टाइट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, तो इसको भी आपको क्लीन रखना है, देख लेना है इसे ठीक से, और इसको लगाना किस तरीके से, किस तरह से बैठाना है, वीडियो को ध्यान से देखते रहना। पहले इसको भी मैं थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ, देखिए इसको इस तरीके से इसमें बीच में लगा देना, ठीक है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये वाला जो यहाँ पे लगा हुआ था बीच में, ये स्क्रू है, तो ये स्क्रू जो है दोस्तों इसके जो इसमें जो दिख रहा है इसके ऊपर ही टाइट होता है, ठीक है। तो इसको भी आपको क्लीन रखना है, और इसे किस प्रकार सेट करना है बता दे रहा हूँ आपको। देखिए पहला तो इसमें इसके पॉइंट्स को ध्यान देना, नहीं तो स्विच उल्टा हो जाएगा तो काम नहीं करेगा, ठीक है। इस वाले पॉइंट को और जिसको हमने क्लीन किया, ये पॉइंट इसी पे आके टच होता है, ठीक है। तो ये दोनों इस तरफ ही रखना है, अगर इस तरफ से करके आप बैठा देंगे तभी भी ये बैठ जाएगा दोस्तों, लेकिन काम नहीं करेगा आपका, ऑन ऑफ का काम नहीं करेगा। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में देकर इसे इस प्रकार रखना है, ठीक है, बीच में इसे इस प्रकार रख देना, ठीक है। और एक बात का और आपको ध्यान देना, ये वाला जो है दोस्तों, ये वाला हिस्सा इसे बिल्कुल बीचों बीच में रहना चाहिए, जिससे स्क्रू इसमें कसा, इसमें टाइट कसा जाए, ठीक है। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ थोड़ा सा, देखिए इसमें बीच में जो हमने पत्ती टाइप डाला है उसमें स्क्रू कसने के लिए, वो बीचों बीच है, इसको बीचों बीच में रखना है दोस्तों, ये बात को आपको ध्यान देना है। और उसके बाद जो है अपना ये इसमें सेट करना है, ठीक है। सेट कर लेने के बाद फिर इसे टाइट कर देना है, देखिए काम कर रहा है, ऑन ऑफ अच्छे से होने लगा। तो देखते हैं इसे, मैं फिर से एलईडी चेक करके देखता हूँ ये काम करता है या नहीं। तो इस प्रकार दोस्तों ये फिर से हमारा बनकर रेडी हो गया, इसे मैं फिर से चेक करके दिखाता हूँ उसी एलईडी से। तो यहाँ इस प्रकार आप देख सकते हैं, मैंने इस पर जो है बैटरी का माइनस इस पर एक पॉइंट पर लगा दिया, और एलईडी बल्ब का माइनस इस वाले पॉइंट पर लगा दिया, ठीक है। और प्लस वाला सप्लाई हम यहाँ पर डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं इसे ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ अब काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं, अभी इस समय ये ऑन ऑफ का काम कर रहा है, देख लीजिए एलईडी आपको ग्लो करने लगा। ये दोस्तों आपका जो है स्विच, ये बटन जो है आपका बनकर रेडी हो गया। तो दोस्तों है ना आसान,
तो फेंकने से पहले दोस्तों एक बार कोशिश करके आप देख सकते हैं, बना पाएंगे आप आसानी से। देखिए काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। तो वीडियो पसंद आया दोस्तों तो एक लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए दोस्तों, जिससे किसी और का भी फ़ायदा हो जाए इस वीडियो से। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।